नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 10 जनवरी है और दिन है सोमवार। आज सरसों का बाजार इस तरह से एकदम से लुढ़कता हुआ दिखाई दिया, जैसे कोई बहुत बड़ी फसल सामने आ गई है। मंडियों में बहुत बड़ी आवक शुरू हो गई है और अब जैसे ऐसे लग रहा है जैसे सरसों तो यहाँ से उठने वाली नहीं है। सरसों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे कॉटन बाजार पर, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। सरसों में जैसे आज भरतपुर का बाजार खुला और राजस्थान की दूसरी मंडियां खुली तो बाजार 300 रुपये तक डाउन चला गया। हालांकि जयपुर का बाजार 100 रुपये डाउन था, दिल्ली का बाजार 50 रुपये डाउन था, लेकिन जो भरतपुर की जो दहशत बनी उसके बाद सलोनी ने 200 रुपये डाउन कर दिया बाजार। अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी अराइवल हो गई है, फसल आ गई है सामने, मंडियों के अंदर आवक हो गई है, ट्रकों के ट्रक लाइन लग के खड़े हैं, इस तरह से भाव टूटा है। और फसल आने में अभी भी कम से कम न्यूनतम अगर दिन गिने तो 40-45 दिन तो कम से कम बाकी है, फसल कहीं है नहीं है। जो मौसम पिछले हफ्ते रहा है, ये जो बीते सप्ताह में, ये सब आप जानते हैं कि भरतपुर के इलाके से लेकर कोटा, झालावाड़ और दूसरे अलवर तक के इलाके के अंदर कितना नुकसान हुआ है फसल को, बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। और ये ठीक है कि बाकी जिलों में सरसों की फसल को फायदा भी हुआ है, लेकिन इस मौसम खराब होने से अब सरसों की जो फसल की कटाई होगी उसमें थोड़ा बहुत और देरी हो सकती है और फसल आने में, आवक होने में, मंडियों तक पहुंचने में इसमें थोड़ा और विलंब हो सकता है, थोड़ी और देरी हो सकती है। आज बाजार क्यों टूटा इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है, क्योंकि बाजार में आवक तो है नहीं। जो भरतपुर की मंडियां हैं, खैरथल की मंडी है, खेरली मंडी है, इनमें भी 6000, 4000, 2000 से अधिक की आवक नहीं है। और कुछ एजेंसियां बता रही हैं कि आवक हो रही है राजस्थान के अंदर 50,000 से 60,000 बोरी या 80,000 बोरी, और कुल आवक बता रहे हैं 1,00,000 बोरी। कहाँ से हो रही है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा आपसे सबसे सवाल है कि इतनी बड़ी आवक कहीं हो रही है तो बताइए कि 1,00,000 बोरी की आवक हो सकती है, और वो भी अकेले राजस्थान में क्या 70,000-80,000 की आवक हो सकती है? शायद नहीं हो सकती। तो इस तरह का एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, कुछ ग्रिप है कुछ लोगों के हाथ में है सरसों का बाजार, और इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि सारा का सारा सरसों अब ये लोग जितने जिनके पास भी थोड़ा बहुत बचा है वो अपना माल बाजार में ला करके फेंक दें और ये बाजार 7,000, 6,500, 6,800 जो इनका मन चाहे उस भाव में ये ले करके और अपना कारोबार करें, अपना उल्लू सीधा करें। मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई आक्षेप नहीं है, कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस ये समझ में से समझ से बाहर है कि जब माल नहीं है और माल नहीं हो तो फिर मंदा किस बात का है, ये कहानी समझ से बाहर हुई। हालांकि आज ही देखिए जैसे 300 रुपए का बाजार भरतपुर का बाजार टूटा और दोपहर के अंदर ही उसने 55 रुपए की रिकवरी दिखा दी। 55 के बाद में शाम को वो 125 रुपए टोटल रिकवरी 125 रुपए तक की सुधरती हुई दिखाई दी। तो जो बाजार 6,970 के आसपास खुला था वो बाजार 7100 प्लस होता हुआ दिखाई दिया। इसी तरह से जो और आसपास की मंडियां हैं, खेरली है, खैरथल है, उनके भाव के अंदर भी 50 से 100 रुपए का सुधार होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि सलोनी वलोनी और दूसरे प्लांटों ने अपने भाव नहीं बढ़ाए हैं, वो चलो अलग विषय है, उनका अपना काम करने का तरीका है, वो कब बढ़ाएंगे कब नहीं बढ़ाएंगे अपना काम जाने, लेकिन मंदा नहीं है सरसों के अंदर। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि सरसों के अंदर मंदा नहीं है। सरसों में आगे एक सप्ताह के बाद में एक ऐसा, मतलब मुझे लग रहा है कि एक ऐसा सुधार आएगा जो पिछले सारी जो नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी करता हुआ दिखाई देगा। ये सरसों की जो उपलब्धता की जो कमी है उसके कारण होगा। सरसों आप देश भर में कहीं नहीं है, देखने के लिए सरसों का दाना उपलब्ध नहीं है। आप बाजार में सरसों लेने चले जाओ तो सरसों उपलब्ध नहीं है, और सरसों अगर बेचने चले जाओ तो इस तरह के जो बाजार के जो भाव हैं वो जानबूझ करके कम बता करके आपकी सरसों खरीदने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर के सरसों में ये जो नेक्स्ट वीक है, एक सप्ताह जो है, इसमें सुधार होने की प्रबल संभावना है।
दूसरी बात करते हैं कॉटन बाजार की। कॉटन बाजार में आज आवके टूटी हैं 1 लाख, जो देश की एक बड़ी एजेंसी है जो इस तरह के डाटा उपलब्ध करवाती है, कमोडिटी पर अपना काम करती है, फोकस करती है, देश भर के लोगों की सेवा करती है और बहुत बड़ी संख्या में उससे लोग जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है स्मार्ट इन्फो। स्मार्ट इन्फो कहता है कि आज 1,49,000 के करीब, यानी लगभग 1.5 लाख बोरी की गांठों की आवक आज देश भर की मंडियों में हुई है। सबसे जो कम आवक हुई है वो है नॉर्थ इंडिया में, यानी नॉर्थ इंडिया में क्या है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, और उसके बाद जो आपके टूटी हैं वो MP, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में टूटी हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आवकें टूट रही हैं, क्योंकि कॉटन की जो टोटल क्रॉप है उसके कुल उत्पादन के अंदर कमी आ रही है, बड़ी कमी देखने को मिल रही है। कुछ लोग 250 करोड़ गांठ कह रहे हैं, 250 लाख गांठे कह रहे हैं, और कुछ कहते हैं कि जो है 3.25 करोड़ तक जा सकता है, लेकिन लगता नहीं है कि ये 250 लाख गांठों से आगे मामला बढ़ेगा, यानी 2.5 करोड़ से आगे बढ़ेगा ऐसा लगता नहीं है। कुल 3 करोड़ तक पहुंचने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, यानी 3 करोड़ तो बिल्कुल ही संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। जबकि जो बड़ी एजेंसियां हैं या जो एसोसिएशंस हैं कॉटन से जुड़ी हुई, वो अभी भी 3.5 से ऊपर की क्रॉप मांग रही हैं, यानी 3.5 करोड़ से अधिक गांठों का आवक होगी, ऐसा संभव नहीं है वैसे। लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है कि कॉटन का बाजार अभी भी 10,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। नॉर्थ इंडिया की, राजस्थान की, हरियाणा की, पंजाब की मंडियों में आज सोमवार को भी 9600-9700 से लेकर के 9800 तक, यानी 9900 रुपए तक का भी कुछ मंडियों में कारोबार हुआ है। इससे कम भाव कहीं नहीं है, 95-96 से कम तो कहीं देखने को ही नहीं मिला है। दूसरी बात, महाराष्ट्र की बड़वानी एक जिला है, बड़वानी जिले की एक छोटी मंडी है, उसमें आज 11,000 से ऊपर कॉटन बिका है, नरमा बिका है। और एक दूसरी मंडी में भी इसी तरह से भाव, खरगोन मंडी है मध्य प्रदेश की, उसके अंदर भी भाव 10,000 प्लस देखा गया है। तो कुल मिलाकर के जो भाव है वो इंटरनेशनल मार्केट के कारण, इंटरनेशनल मार्केट में तेजी है रुई के अंदर, भारतीय रुई की डिमांड भी अच्छी है, इन सब कारणों से मिलाकर के कॉटन बाजार में तेजी का माहौल है। और इनके कारण ही खल और बिनोला, कपास्या और कपास्या खली में भी बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ये तेजी कितने दिन बनी रहेगी, ये एक अहम सवाल है। इस पर हमने विस्तार से चर्चा हमारे जो डेली बुलेटिन आता है विशेष रूप से उसमें किया है, और इसमें आपको भी हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन आगे आने वाले कुछ वीडियोस में इसकी विस्तार से जानकारी देंगे कि बिनोला और बिनोला खली के अंदर कब तक और कितनी तेजी बनी रह सकती है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज सरसों का भाव, जैसा जिक्र किया अभी मैंने, कि भरतपुर का भाव 6972 रुपये खुला, 300 रुपये का लगभग, 295 रुपये का नुकसान था। उसके बाद दोपहर में भाव हुआ 7025, उसके बाद भाव हुआ लगभग 7100, और अब सुन रहे हैं कि अब 7125 के आसपास पर कारोबार हो रहा है। क्लोजिंग के समय 7125 बोल बताया जा रहा है, तो 125 से लेकर के 150 रुपये तक का इम्प्रूव आज की डेट में ही वापसी हो गया। जयपुर में भाव खुला है सुबह 100 रुपये डाउन होकर 7725 रुपये, और दिल्ली का भाव है 7450 रुपये, अलवर 7300 रुपये, खैरथल 7090 रुपये सुबह था, उसके बाद अब भाव हो गया है खैरथल का 7125 रुपये। सलोनी शमशाबाद का भाव है 8100 रुपये, कोटा का 8000 रुपये, सुमेरपुर 7300 रुपये, और कोटा की जो मंडियों के भाव है वो है 6900 रुपये, दादरी 7400 रुपये, हिंडौन 7080 रुपये, बीकानेर 6800 रुपये, गंगापुर सिटी 7150 रुपये, टोंक मंडी 7480, निवई मंडी 7500 रुपये, हापुड़ 7750 रुपये, गंगानगर 7208 रुपये, और एलनाबाद में 6780 रुपये। और कॉटन यानी नरमा कपास आज बिका है, नरमा हनुमानगढ़ में 9730 रुपये, विजयनगर में 9640 रुपये, अबोहर में 9650 रुपये, संगरिया में 9580 रुपये, पीलीबंगा में 9700, पदमपुर में 9725, केसरी सिंहपुर में 9840, रावतसर में 9600, फतेहाबाद में 9100, आदमपुर में 9345, और अनूपगढ़ मंडी में 9900 रुपये पर आज नरमा बिका है। शिवानी मंडी में 8800 रुपये, आदमपुर में 9345, बरवाला 8331,
सिरसा में 9484, गंगानगर में 9737, इलाहाबाद में 9555, अमरावती जैसा मैंने जिक्र किया 10100 पर आज बिका है नरमा यानी कपास, और बड़वानी खेतिया में 11320 और हरियाणा की भट्टू मंडी में 9400 रुपये। देसी कपास सिरसा में बिकी है 7406 रुपये और फतेहाबाद में बिकी है 7410 रुपये। तो कल फिर आपसे इसी तरह से चर्चा होगी, तब तक के लिए नमस्कार।